एवरीवन दिस इज शिवम हियर एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिडक्शन को लेके। तो देखिए रिडक्शन के ऊपर ऑलरेडी हम बहुत सारे लेक्चर्स कवर कर चुके हैं जिसके अंदर अभी तक हमने मेनली दो टाइप के रिडक्शन रिएजेंट्स की बात की थी। फर्स्ट वो जो कि गिवन सब्सट्रेट के अंदर हाइड्रोजन ऐड करके मेरे सब्सट्रेट को रिड्यूस करते हैं और सेकंड वो जो कि इलेक्ट्रॉन ऐड करके उस गिवन सब्सट्रेट को रिड्यूस करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं थर्ड टाइप ऑफ रिडक्शन बेस्ड रिएजेंट को लेके जो कि गिवन सब्सट्रेट में से ऑक्सीजन को रिमूव करके उस सब्सट्रेट को क्या करते हैं रिड्यूस करते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन रिएजेंट्स के बारे में जो कि क्या करते हैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और अगर मेरे किसी भी गिवन सब्सट्रेट में से ऑक्सीजन रिमूव होता है तो उस सब्सट्रेट का क्या हो जाएगा मेरे पास रिडक्शन ही देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करता हूं इन रिएक्शंस को लेके तो मेरे पास यहां पर सिर्फ और सिर्फ दो ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन करके मेरे किसी भी गिवन सब्सट्रेट को क्या कर देंगे रिड्यूस कर देंगे। तो उसमें मेरे पास जो सबसे पहली है वो है वुल्फ-क्रिस्चन रिडक्शन और जो मेरे पास सेकंड है वो है क्लेमेंसन रिडक्शन अगर मैं बात करता हूं वुल्फ-क्रिस्चन रिडक्शन को लेके तो वुल्फ-क्रिस्चन रिडक्शन के अंदर कौन सा रिएजेंट यूज होता है, इसके अंदर यूज होता है NH2 इन प्रेजेंस ऑफ KOH या फिर यहां पे KOH की जगह कोई भी प्रोटिक सॉल्वेंट होगा NH2 इन प्रेजेंस ऑफ प्रोटिक सॉल्वेंट, कोई ऐसा सॉल्वेंट जो मुझे H पॉजिटिव प्रोवाइड कर सके। इसको याद रखना, इसके अलावा कुछ भी यहाँ पे यूज नहीं होता है। आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना कि NH2 की जगह कुछ और होगा, कभी भी नहीं होगा। सिर्फ इतना देख लो NH2 है, सामने कार्बन सब्सट्रेट मेरे पास प्रेजेंट है, अच्छा ठीक है वुल्फ-क्रिस्चन रिडक्शन हो जाएगा, जो कार्बन ग्रुप का जो ऑक्सीजन है वो कंप्लीटली रिमूव हो जाएगा, राइट। अब बात करते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन को लेके, तो क्लेमेंसन रिडक्शन के अंदर मेरे पास यूज होता है जिंक इन प्रेजेंस ऑफ HCl, यहाँ पे यूज होता है मेरे पास जिंक इन प्रेजेंस ऑफ HCl, कभी कभी यूं भी लिख देते हैं इसको जिंक HG इन प्रेजेंस ऑफ HCl, इसको ये भी लिख देते हैं। तो आपको याद रखना है मेरे पास क्लेमेंसन रिडक्शन के अंदर भी क्या होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मुझे देखने को मिलता है, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट रिएक्शन को लेके, दैट इज वुल्फ-क्रिस्चन रिडक्शन। सबसे पहले हमारे पास क्या है वुल्फ-क्रिस्चन रिएक्शन कह लीजिए या वुल्फ-क्रिस्चन रिडक्शन कह लीजिए, रिडक्शन का होगा तो ज्यादा फन रहेगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि फिर आपको याद रहेगा कि हाँ इसके अंदर मुझे रिडक्शन देखने को मिलता है। तो सबसे पहले मेरे पास है वुल्फ-क्रिस्चन रिडक्शन, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास यहां पर एक सब्सट्रेट है जिसके अंदर मेरे पास कार्बन ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने NH2 प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। तो हमेशा याद रखना एक रिएक्शन होती है मैनिक रिएक्शन, जिसमें कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में जो है डबल बॉन्ड बनता है, और वो डबल बॉन्ड कब बनेगा जब मैं नाइट्रोजन को कार्बोनिल ग्रुप के सामने लेके आऊंगा। तो यहां पे होगा क्या, ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा, और ये कार्बन जो है वो इस नाइट्रोजन के साथ क्या बना लेता है डबल बॉन्ड बना लेता है, और इसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं मैनिक रिएक्शन कहते हैं, नेम रिएक्शन का एक पार्ट है ये। तो यहां पर क्या बन जाएगा NH2, राइट, यहां पे क्या बन जाएगा कार्बन डबल बॉन्ड NH2 बन जाएगा। दो हाइड्रोजन कहां गए, दो हाइड्रोजन रिमूव हो गए हैं, क्योंकि जैसे ही ये डबल बॉन्ड बनाएगा तो दो हाइड्रोजन लगा के रखूंगा तो उसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो उस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए क्या होगा वो दोनों हाइड्रोजन जो है निकल जाते हैं, ठीक है। यहां पे मेरे पास क्या होता है, ये बनता कैसे है H2O निकल जाएगा, यहां से बंदे का कैसे ये H2 निकल जाएगा कैसे, एक बार बता देता हूं मैं आपको ताकि आपको यूं ना लगे कि मैंने आपको रटवा दिया, और मैं चाहता नहीं कि एटलीस्ट ऑर्गेनिक में तो मुझे कोई कहे कि मैंने आपको कोई चीजें रटवाई है, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे इस तरीके से H2O निकल जाता है और कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन बॉन्ड मुझे देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो यहां पे कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन बॉन्ड मुझे देखने को मिल गया। अब उसके बाद क्या होगा, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर जो है यहां पर जाएंगे, कंजुगेशन का पार्ट है ये, अच्छे से देख लो कंजुगेशन का पार्ट है, रेजोनेंस का पार्ट है। उसके बाद ये जो पाई बॉन्ड है वो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को यहां पे शिफ्ट कर लेगा, तो मुझे यहां पे क्या देखने को मिलेगा, मुझे यहां पर जो है कार्बन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन H और H पॉजिटिव देखने को मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन के पास कितने बॉन्ड हो गए, आपके पास 4 बॉन्ड हो गए, और यहां पे मेरे पास क्या है नेगेटिव चार्ज है। तो यहां पे अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए क्या करेगा, ये एक अपना बॉन्ड तोड़ देगा हाइड्रोजन के साथ वाला, और यहां पे ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, जो मेरे पास प्रोटिक सॉल्वेंट है, जो मेरे पास प्रोटिक सॉल्वेंट है KOH मैंने जो लिया था, वहां से ये हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा ताकि नेगेटिव चार्ज भी अपने आप को स्टेबलाइज कर सके। तो यहां पे मुझे क्या देखने को मिल जाएगा, मुझे यहां पे कार्बन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन
H देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे मेरे पास सॉल्वेंट से क्या आ गया, ध्यान से यहाँ पे सॉल्वेंट से क्या आ गया, हाइड्रोजन आ गया, कहाँ से, सॉल्वेंट से, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, मेरे पास यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, दोबारा यहाँ पे जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ पे टूट जाएगा और मेरे पास जो है यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, मेरे पास यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, दोबारा मेरे पास जो है KOH आएगा मेरे पास, ये वहां से हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट कर लेगा और क्या बना लेगा मेरे पास, मेरे पास वहां पे जो है कंप्लीटली कार्बोनिल ग्रुप जो होता है, मेरे पास कार्बोनिल ऑक्सीजन जो होती है वो रिमूव हो जाता है, और इसी को हम क्या कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे। कैसे, क्योंकि मेरे पास जो गिवन रिएक्टेंट था उसके अंदर ऑक्सीजन परसेंट था और मेरे प्रोडक्ट के अंदर कोई भी ऑक्सीजन परसेंट नहीं है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और इस रिडक्शन को हम क्या कहते हैं, वुल्फ क्रिश्नर रिडक्शन। अब आपके माइंड में क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि मुझे आप एक बात ये बता दो, ये बात तो समझ में आ गई, ये स्टेप तो मुझे समझ में आ गया कि ये स्टेप हुआ है क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस था, कोई दिक्कत नहीं है, हम खुशी खुशी आपकी बात मान लेंगे, लेकिन इस स्टेप के होने का क्या मतलब बनता है, यहाँ पे कौन सा रेजोनेंस था जो ये बॉन्ड टूटने को मिला, कोई रेजोनेंस नहीं था, यहाँ पे कौन सी स्टेबिलिटी मेरे को देखने को मिल रही थी जो ये बॉन्ड इस तरीके से टूटा, क्योंकि सिंगल बॉन्ड था, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था, आसानी से तो टूटेगा नहीं, तो ऑब्वियस ही बात है ऑर्गेनिक के अंदर कोई भी चीज या फिर हमारी अर्थ के ऊपर कोई भी चीज अगर हो रही है, अपने आप से स्पेशली अगर हो रही है, तो उसका एक ही रीजन मैं मानता हूं, वो है स्टेबिलिटी। यहां पे भी मान के चलो कोई ना कोई स्टेबिलिटी यहां पे जरूर आ रही होगी जो आपको नहीं दिख रही, मुझे तो दिख रही है, ठीक है। वो स्टेबिलिटी क्या है यहां पे, वो स्टेबिलिटी ये है कि यहां पे जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहां पर जाएगा, ये बॉन्ड टूटेगा, मेरे पास N2 बन जाएगा और वो N2 जो है बनकर निकल जाएगा, और N2 के बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है वो क्या होती है, N triple bond फॉर्मेशन होती है मेरे पास, और जो N2 है वो बहुत ज्यादा स्टेबलाइज होता है, जहां पर भी टेंडेंसी होती है N2 के बनने की, वो थोड़ी सी भी एक्सेप्शनली काम करके अपने आप को बनवा के वहां से निकालने की कोशिश करता है, क्योंकि N2 जो है बहुत बहुत ज्यादा स्टेबलाइज होता है। तो यहां पे इस स्टेप के होने का क्या रीजन था, इस स्टेप के होने का रीजन था N2 की फॉर्मेशन मेरे पास यहां पे हो रही है, N2 मेरे पास बन रहा है क्योंकि N2 के बनने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है, N2 जहां पे भी बनने के चांसेस होते हैं ना, खुद ब खुद करने लग जाता अपने आप सारे काम, क्योंकि उसको पता है मुझसे ज्यादा स्टेबल फिर आसपास में कोई भी नहीं होगा, तो मैं क्यों ना ये काम करके इसको इस तरीके से अपने आप को निकाल लूं, ठीक है। तो यहां पे इस स्टेप का रीजन क्या है, N2 फॉर्मेशन, इस स्टेप का रीजन क्या है, N2 फॉर्मेशन, और इस तरीके से मेरे पास जो है किसी भी गिवन सबस्ट्रेट में अगर मैं NH2 प्रोवाइड कर रहा हूं जिसमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, वहां पे मुझे वुल्फ क्रिश्नर रिडक्शन देखने को मिल जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं ट्रिक क्या यूज करनी है आपको, अब मैं बताता हूं ट्रिक क्या यूज करनी है। मान लीजिए आपके पास जो है एक सबस्ट्रेट है, मान लीजिए आपके पास एक सबस्ट्रेट है, ठीक है, यहां पे क्या है कार्बोनिल ग्रुप है, यहां पे क्या कर दिया NH2 डाल दिया, इन प्रेजेंस ऑफ KOH डाल दिया, आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ ये ऑक्सीजन तोड़ दो, और यहां पर जो है वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए हमारे पास दो हाइड्रोजन चाहिए होंगे, तो दो हाइड्रोजन लगा दो, ये मेरे पास प्रोडक्ट बन के आ जाएगा, ये मेरे पास प्रोडक्ट बन के आ जाएगा। इतना सा है हमारे पास वुल्फ क्रिश्नर रिडक्शन। अब बात करते हैं हमारे पास सेकंड रिएक्शन की, जो कि ऑक्सीजन रिमूव करके किसी भी गिवन सब्सट्रेट में से, ठीक है, ऑक्सीजन रिमूव करके मेरे पास उसको क्या करता है, रिड्यूस करता है, और वो मेरे पास क्या है, क्लेमेंसन रिडक्शन। दूसरा मेरे पास क्या है, क्लेमेंसन रिडक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आता है इनका, और मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि रिएजेंट में से कभी भी ऐसा मत सोचना कि एक रिएजेंट के ऊपर क्वेश्चन आएगा, 5-6 रिएजेंट साथ में गिवन होंगे और फाइनल प्रोडक्ट आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा, तो इसीलिए आपको सारे के सारे रिएजेंट्स पता होने जरूरी है। तो अगर मैं बात करता हूं क्लेमेंसन रिडक्शन को लेके, तो क्लेमेंसन रिडक्शन में भी मेरे पास क्या होता है, सेम चीज देखने को मुझे मिलती है, कोई भी कार्बोनिल ग्रुप मान लीजिए मेरे पास होगा, इसका रिडक्शन होगा मेरे पास कौन से रिएजेंट के प्रेजेंस में, जिंक HG इन प्रेजेंस ऑफ HCl, ठीक है, और यहां पे मुझे क्या देखने को मिल जाएगा, दो हाइड्रोजन देखने को मिल जाएंगे, यानी कि यहां पे भी सेम वही उसी तरीके से प्रोडक्ट बनेगा जिस जैसा प्रोडक्ट मेरे पास वुल्फ क्रिश्नर रिडक्शन के अंदर मुझे देखने को मिल रहा था। तो बात करते हैं यहां पे मेरे पास होता क्या है, बात करते हैं मेरे पास मैकेनिज्म को लेके। तो मान लीजिए मेरे पास एक कार्बोनिल ग्रुप था, R1 और R2 दो ग्रुप थे, ठीक है, मेरे पास कैसी कंडीशन प्रोवाइड है, यहाँ पे HCl है मेरे पास, HCl से क्या मतलब है, यहाँ पे एसिडिक कंडीशन प्रोवाइड है, तो एसिडिक कंडीशन प्रोवाइड है, तो यहाँ पे क्या होगा मेरे पास सॉल्यूशन में, H पॉजिटिव होगा, ये ऑक्सीजन जो है इस H पॉजिटिव को खा लेगा, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन को चाहिए कि भाई सब कुछ मेरा है, तुम्हारा कुछ भी नहीं है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो मैं लूंगा, ठीक है, ऑक्सीजन को बड़ी चुलमची रहती है, जहां पे भी मिले वहां पे इसको
को कुछ ना कुछ टांग मारनी ही मारनी है, ठीक है। तो इसके पास क्या आ जाएगा, OH पॉजिटिव आ जाएगा, तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज नहीं है, तो इसने खुद का तो नुकसान करवा लिया और ये खुद का नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो क्या करेगा, इस पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने तरफ ले लेगा, ठीक है, और कार्बन का नुकसान कर देगा, और क्या कर देगा, कार्बन का नुकसान कर देगा, तो यहाँ पे OH बन जाएगा और कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, मेरे पास जिंक मेरे पास मेटल प्रेजेंट है, मेरे पास रिएक्शन में क्या प्रेजेंट है, जिंक मेरे पास मेटल प्रेजेंट है, और जिंक मेटल जो है इस यहां पर इस कार्बन की उजड़ती हुई दुनिया को बचाने आया है, वो क्या करेगा, जिंक जो है जिंक टू पॉजिटिव में टूटेगा, प्लस में टू इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, और ये दो इलेक्ट्रॉन जो है ये कार्बन खा लेगा, ये दो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, कार्बन खा लेगा। चाहिए तो इसको एक इलेक्ट्रॉन था, चाहिए तो इसको एक इलेक्ट्रॉन था ताकि अपने आपको स्टेबलाइज कर सके, लेकिन इतना जोश में होता है ना उस टाइम पे, इतना गुस्से में होता है ये ऑक्सीजन की वजह से कि ये एक इलेक्ट्रॉन की जगह दो इलेक्ट्रॉन खा लेता है, और दो इलेक्ट्रॉन खा लेगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा मेरे पास, इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब नेगेटिव चार्ज आ रहा है, कंडीशन मेरे पास कैसी है, एसिडिक, तो यानी कि मेरे पास सॉल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव परसेंट है, H पॉजिटिव परसेंट है, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, H पॉजिटिव को खा लेगा, और क्या बन जाएगा यहाँ पे मेरे पास R1 कार्बन R2, और यहाँ पे मेरे पास OH देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे ऑलरेडी एक हाइड्रोजन आ चुका। अभी भी हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है उसको शांति नहीं है, अभी भी उसको शांति नहीं है, वो दोबारा कहेगा अच्छा तू स्टेबल हो गया, रुक मैं तेरे को दोबारा अनस्टेबल करता हूँ, क्या करेगा, हाइड्रोक्सी ग्रुप दोबारा H पॉजिटिव खा लेगा, क्यों, कंडीशन तो मेरे पास एसिडिक है, कितने भी H पॉजिटिव खिलाऊं, जब तक मन करेगा तब तक खिला सकता हूं, तो यहां पे क्या देखने को मिलेगा, दोबारा मेरे पास हाइड्रोक्सी ग्रुप के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, हाइड्रोक्सी ग्रुप के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये तो निकल लेगा भाई कि मेरा तेरे को काम हो गया, मैं जितना तेरे को तंग कर सकता था उतना मैंने तंग कर लिया, अब और बस की बात नहीं है, मैं जा रहा हूँ, तू अपने आप को स्टेबल कर सके तो देख लियो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, H2O की फॉर्म में ये निकल जाएगा, और अपने साथ ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है यहाँ पे जो बॉन्ड की जो दोनों इलेक्ट्रॉन है उसको लेके निकल जाएगा, तो कार्बन के ऊपर क्या बच जाएगा, अब दोबारा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, दोबारा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो जिंक कहेगा रुक तू नहीं मानेगा, मैं दोबारा आता हूं तेरे को स्टेबल करने के लिए, तो दोबारा दो इलेक्ट्रॉन दे देगा ये, ठीक है, दोबारा दो इलेक्ट्रॉन देगा ये, दोबारा कार्बन दो इलेक्ट्रॉन खा लेगा, और दोबारा दो इलेक्ट्रॉन खा लेगा तो क्या बन जाएगा, दोबारा कार्बन आयन बन जाएगा, दोबारा क्या बन जाएगा, कार्बन आयन बन जाएगा, एच पॉजिटिव कंडीशन प्रेजेंट ही है, दोबारा मेरे पास ये एच पॉजिटिव जो है खाएगा, और क्या बन जाएगा मेरे पास, आर वन कार्बन आर टू और सी एच टू देखने को मिल जाएगा, यानी कि यहाँ पे मेरे पास क्या हो गया, कार्बन ग्रुप का जो ऑक्सीजन है वो दो हाइड्रोजन से रिप्लेस हो गया। और आप सोच रहे होगे आज मैं कौन से मूड में हूँ, कैसे कैसे एग्जांपल देके समझा रहा हूँ, तो बस ऐसे ही चलता रहता है, कभी कभी मस्ती भी कर लेनी चाहिए, ठीक है, ताकि आप लोगों का भी इंटरेस्ट बना रहे। तो इस तरीके से मेरे पास जो है क्लेमेंसन रिडक्शन देखने को मिलता है किसी भी गिवन सबस्ट्रेट के अंदर, ठीक है। अब चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, मेरे पास अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन क्या है मेरे पास, क्वेश्चन है, एक सेकेंड इसको रिमूव कर लेते हैं, क्वेश्चन है मेरे पास एक कार्बन ग्रुप गिवन है और एक मेरे पास सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच मॉलिक्यूल गिवन है, यहाँ पे मेरे पास जो है जिंक एच जी इन प्रेजेंस ऑफ एच सी एल गिवन है, और नीचे मेरे पास लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट गिवन है, नीचे मेरे पास लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट गिवन है, और मुझसे पूछा हुआ है कि बताओ यहाँ पर मुझे क्या देखने को मिलेगा, और मुझसे पूछा हुआ है बताओ यहाँ पे मुझे क्या देखने को मिलेगा आंसर में, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आप लोगों को बताना है मुझे यहाँ पे कि क्या प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, जिंक एच जी इन प्रेजेंस ऑफ एच सी एल जो है याद रखना क्या करता है, क्लेमेंसन रिडक्शन करेगा, कार्बोनिल ग्रुप को जो है क्या करेगा सी एच टू ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है, और यहाँ पे याद रखना लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट क्या है, ये एक रिड्यूसिंग रिएजेंट है, ये क्या है मेरे पास एक रिड्यूसिंग रिएजेंट है, और रिड्यूसिंग रिएजेंट क्या करता है मेरे पास कार्बोनिल ग्रुप को कन्वर्ट कर देता है सी एच टू OH के अंदर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ट्राई करना, अगर ना हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, इंस्टाग्राम पे मैसेज ड्रॉप आउट कर सकते हो किसी भी प्रॉब्लम को लेके, या फिर आप मुझे जो है टेलीग्राम के ऊपर मैसेज ड्रॉप आउट कर सकते हो, इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और कल से हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे नए रिएजेंट्स को लेके, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।